ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है परवीन, यहाँ किसी का कोई चांस पक्का नहीं होता। मैंने इस बारी अपना चांस जो है ना वो हाथ से नहीं जाने देना। लड़ा ली जितनी तरकीबें लड़ानी है उसने। नवाब साहब ने जब कुछ थूकना हो ना तो वो कड़वे बादाम का इंतजार नहीं करते। जब तक हम लाल दुपट्टे वाली से तीन मरतबा कबूल है कबूल है कबूल है नहीं करेंगे, डबल सवारी की तरह हर किस्म की दुआए खैर और शादी पे पाबंदी। रजिया बीवी है मेरी, निकाह हुआ है नवाब साहब उससे मेरा। चुप! तेरी जबान से अगर से बीवी कहा ना तेरी जबान क्या चुनूंगा मैं। जिद न कर, छुरी मुझे दे। ये छुरी अब मेरे हाथ से मेरा सादिक लेगा। सादिक से अब तेरा कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है, तुम डरते हो नवाब साहब से, मैं नहीं डरता। तुम्हें दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, जायदाद चाहिए। नहीं चाहिए मुझे दौलत, नहीं चाहिए पैसा, नहीं चाहिए जायदाद। खुदा का वास्ता है अब्बा, खुदा का वास्ता है, मुझे मेरी मेरी नसीहत दे दो अब्बा। चुप जाहिल, मोहब्बत से पेट नहीं भरता। अगर इंसान की जेब में पैसा हो ना तो तब इंसान का वजन बढ़ता है। ये जो सब कुछ है ना ये नवाब साहब ने दिया है हमें। एक वक्त की रोटी कोई नहीं देगा हमें। बड़ा मोहब्बत करने वाला आशिक कैसे तलाक। सादिक की बात मत सुनना। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं तलाक। ओए गवर्नर, तूने भी फिल्म का सेट लगाया हुआ पूरा, कहा था सीधा सीधा काम करना। फिर नवाब साहब ये क्या तमाशा है। ओए ओए ये तूने क्या करना है, क्या खतरनाक चीज हाथ में ली हुई है तूने। तेरे हाथ में तो गुलाब का फूल होना चाहिए। लाइदे नवाब साहब, खुदा का वास्ता हम पे रहम करें। शोहर है ये मेरा, निकाह हुआ है मेरा, इसके साथ हमें साथ रहने दें। हैं? इसके साथ रहेगी तू? पागल हो गई है क्या? तू झाड़ू लगाने के लिए या खेतों में हल चलाने के लिए नहीं है, तू हमारी रानी बनने के लिए पैदा हुई। जी नहीं बनना रानी, नहीं चाहिए कोई दौलत मुझे। नवाब साहब देख नहीं रहा कि हमारी बेगम साहब हमसे बात कर रही है? जी मेरी जान। नवाब साहब मुझसे क्या गलती हो गई है, हमें जाने दे, हमें माफ कर दे, हमें जाने दे। न, 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 रोना नहीं। गवर्नर अगर इसका एक आंसू गिराना तो मैं तेरे 1,00,000 आंसू गिराऊंगा, क्योंकि ये जुल्म इस पर तेरी वजह से हो रहा है। नवाब साहब यही तो मैं काफी देर से समझा रहा था। तू क्या समझाएगा गवर्नर, तुझे तो हमारी बात समझ नहीं आई। हम समझाएंगे अपनी रजिया को। क्यों रजिया? नवाब साहब माफ कर दे। अरे ना कर, ना कर, ऐसे हाथ ना जोड़, हम हाथ जोड़ लेते तेरे आगे। लाइए दे छुरी मुझे, दे 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 दे। पूरी बहुत है। उफ़ो। तुझे पता है जब पहली बार मैंने तुझे देखा था लाल दुपट्टे में, तब से लेके आज तक ये लाल जोड़ा पहन के तेरे इस्तकबाल के इंतजार में हूं। रहम नवाब साहब, सब रहम नवाब साहब। नवाब साहब
नहीं जाऊंगी आपके साथ। तूने थोड़ी मरना है अभी, मरना तो अब किसी और ने है, तेरे तो जीने के दिन है, खुश रहने के दिन है। नवाब साहब मैंने जान के नहीं किया ये सब। देख मुझे मजबूर न कर गया, वरना तो तलाक में जितनी देर कर रहा है ना उतनी तेरी जिंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं। अगर मैं अपनी करनी पे आया तो तेरे खानदान का नाम और निशान मिटा दूंगा। उबैद अटारनी आएगा तेरे पास तलाक के कागजात लेके, साइन करवा देना। How are you, ma'am? I'm fine as usual, as you can see. I always see a gorgeous lady. Thank you. वैसे मैं जब भी आपको देखती हूँ ना अंदाजा हो जाता है। It's the end of one story and beginning of another. Well, ma'am, not always, मगर हाँ, most of the times. अच्छा है ना कि नवाब साहब खुद ही कहानी को ट्विस्ट एंड टर्न देते रहते हैं, इससे इंटरेस्ट जो है वो इंटैक्ट रहता है। तो फिर एक बात बताइए, नवाब साहब की इस कहानी में अब कौन सा कैरेक्टर जाने वाला है और कौन सा आने वाला है? नवाब साहब अपनी कहानी खुद लिखते हैं अपने हाथ से। We are just characters who only act. Excuse me. If you allow, may I leave? Yeah, please, sure. It was a pleasure seeing you. It was a pleasure to be seen. Take care, ma'am. हाजिर हो सकता हूं नवाब साहब? हाजिर तो तू हो गया अटारनी, पेश हो जा फौरन। जी नवाब साहब। तो जानता है ना जब हम तुझे बुलाते हैं तो उसके पीछे कोई खास बात होती है। जी नवाब साहब, इसीलिए मैं तलाक और निकाह के ब्लैंक पेपर साथ लाया। क्या बात है तेरी, क्या बात है। तुम वकील लोग गलतियां करते हो तो केस हारते हो ना? जी सर वो तो है, लेकिन यहां मैं कहां गलत हुआ ये मैं समझ नहीं पाया। गलतियां तो तेरी इतनी हैं, अगर मैं गिनवाने बैठू ना तो तुझे अपना नाम गलत ही रखना पड़े। एक औरत तेरे पीछे लगा दूंगा, औरतों को जानता नहीं तो शायद गंजों से भी जू निकाल लेती। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हम दुरुस्त ही फरमाते हैं, अगर हम कुछ और भी फरमाए तो वो भी दुरुस्त हो जाता है। खैर अभी तेरी गलतियां वलतियां बाद में देखेंगे, फिलहाल ये गलती हुई पड़ी है, कहीं उसे ठीक करना है। मुझे? हाँ जी, हुक्म करें। गवर्नर के घर जा, उसके बेटे सादिक के हाथों से तलाकनामे पे दस्तखत करवा के ले आ। सर सादिक से? अरे गलती से उसने हमारा हीरा अपनी अंगूठी पे लगा लिया है। ओह मैं समझ गया सर, बेहतर मैं अभी जाता हूँ। और सुन, मैंने सुना है कि वो गर्म चीजें बहुत खाता है, अगर उसे ठंडा करने के लिए कोई मुरब्बा शरबा डालना पड़े ना तो डाल देना। समझ गया सर, इसका मतलब है कि मैं कागज गलत नहीं लाया। हाँ एक कागज कम है। अरे तुम वकील लोग हो, खुद से हार थोड़ी मानते हो, कोई और तुम्हें बताता है कि खेल खत्म, जल्दी फौरन। जी सर तभी गया। बड़ी बीबी, हे बड़ी बीबी, क्या हुआ? खैर तो है, कोई मर गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे, मरिया कोई भी नहीं। आपको पता वो जो अबैद नहीं है वकील, उसको मैंने अभी अभी हवेली से बाहर जाते हुए देखा है।
तो उसके लिए इतना भाग के आने की क्या जरूरत थी? ओ वड्डी बीबी, उसके हाथ में मैंने कागज देखे हैं। बस दुआ करे इस बारी मेरी तलाक ना टले। नवाब साहब को भी सबर नहीं आ रहा, इसका मतलब है। हाय हाय, तो आप ये चाहती भी क्यों है कि खुदा ना खास्ता नवाब साहब को सबर आ जाए? मैं एक बारी यहाँ से चली जाऊँ, उसके बाद बेशक वो ना सालम सबरीले बन जाए, मुझे निकाल दें बस इस हवेली से। इतने ख्वाब मत देख परवीन, अगर उनको पता चल गया ना कि तूने ये ख्वाब देख लिया है तो वो पूरा नहीं होने देंगे कभी। यहाँ सिर्फ उनको ख्वाब देखने की इजाजत है। ऐसा ना कहें वड्डी बीबी, मैंने ना बाबा साईं के दरबार पे जाके बड़ी मन्नतें मानी, कम से कम आप भी तो मेरे लिए दुआ तो कर सकती है ना वड्डी बीबी। वैसे कोई मेरे दिल से पूछे तो मैं सबसे पहले उस बेला चुड़ैल को यहाँ से निकाल बाहर करूँ। हाय रब का नाम मन्ने आप वड्डी बीबी, क्या हो गया आपको? एक तो मेरी बारी सबके जी चाहने लगे हैं कि उसको यहाँ से निकालना है। मैं किसी तरह इस हवेली से निकल जाऊँ, उसके बाद बेशक आप उसको ना छत पे चील कवों के आगे डाल दें सड़ावा गोश्त समझ के। चीलें भी ना खाएंगी उस मुर्दार को। ओ जी दफा करें, क्या जरूरत है उसके बारे में सोचने की? मेरे बारे में सोचे कि मैंने यहाँ से किसी तरह निकलना है, बस मुझे तलाक मिल जाए। दुआ करें या अल्लाह कोई कमेटी काट दे, मेरी मदद कर दे। क्या बताएं हम तुझे, इस लम्हे का हमने कितनी बेचैनी से इंतजार किया। रसिया, रसिया बेला, ये रजिया कहां से आ गई बीच में? हाथ क्यों छुड़ाया तूने? क्योंकि आपको मैं नजर नहीं आ रही हूँ नवाब साहब। हम जिस तरफ भी देखें हमारा ध्यान हर तरफ होता है। नवाब साहब ये बहुत ज्यादती वाली बात है, मैं आपके साए के पीछे पीछे भागती फिरती हूँ और आप हैं कि रजिया की बातें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आपको मुझे देखना चाहिए, दूसरों को नहीं। मुझमें आपको रजिया नजर आ रही है। ज्यादा जज्बाती तकरीर करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, समझी? तुम औरतों के पास जब किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो उल्टी सीधी बातें शुरू कर देती हो। आइंदा रजिया के साथ वगैरह होने वाली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। रजिया लाल दुपट्टे वाली मेरी होने वाली बीवी है, वो जब इस हवेली में आएगी तो तुम लोग सब लाल जोड़ा पहन के उसका इस्तेमाल करोगे। आई समझ? तलाक तलाक की आवाज सुना दे, कन्ना चपा दे आवाज, दो मरबे जमीन दुआ दे, जान छुड़ा दे। या अल्लाह मदद कर दे, या अल्लाह मदद कर दे, मदद कर दे, इस बारी मेरी बारी आ जाए बस। आमीन आमीन आमीन। मुझे कितना जलील करवाएगा इस उम्र? मैं जलील करवा रहा हूं तुझे अब्बा, या तू जलील करवा रहा है तुझे? नहीं, नवाब साहब का वकील बाहर बैठा है तलाकनामा लेकर। अच्छा, जा जाके बोल दे उसे कि उस तलाक नामे पे नवाब की सारी बीवियों का नाम लिखवा के ना नवाब का अंगूठा लगवा दे। अगर तेरी आवाज इन दीवारों के अलावा किसी इंसान ने सुन ली तो दूसरे इंसानों को तो नजर नहीं आएगा। क्यों कर रहा है वो मेरे साथ ऐसा? क्यों तोड़वा रहा है मेरा निकाह वो? साथिक, तलाक दिए बगैर हमारी जान नहीं छूटे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जान, नहीं चाहिए ऐसी जान जो जिल्लत से भरी हुई हो। देख, तू जब रसिया को तलाक देगा ना तो नवाब साहब तुझे एक मुरब्बा जमीन भी देंगे।
उसके कागज भी वकील साथ लेकर आया है। क्या करूंगा मैं जमीन का अब्बा, क्या करूंगा? मुझे रसिया चाहिए अब्बा, जमीन नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए जमीन? क्यों नहीं चाहिए? एक मुरब्बा जमीन है, आराम से बैठकर खाएगा तू। बेवकूफी ना कर, अगर तेरी जगह मैं होता ना, एक मरले की खातिर मैं तलाक दे देता। सादिक, हम उन लोगों में से नहीं है बेटा जो अपनी मर्जी से जी सके। हमारे रिश्ते ख्वाहिशें, ख्वाब, दिल, प्यार, मोहब्बत सब रंगबाजी है। एमी, जो नवाब साहब के दिल में आ जाए बस वो होता है। रसिया, तेरी भी तो कुछ लगती है ना अब्बा। तू यू करके तू भगा दे ना हमें, कहीं भगा दे। नवाब साहब के होते हुए कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। तू भगाने की बात कर रहे हैं, भागते भागते जहां भी थक कर गिरोगे वहीं नवाब मौजूद होगा। सब बेकार है बेटा। ठीक है अब्बा, मंजूर है मुझे, बुला ले उन्हें और बोल दे उन्हें कि बस गोली मार दे मुझे, मार दे मुझे गोली, लेकिन तलाक नहीं दूंगा मैं। तू समझता क्यों? तू क्यों नहीं नहीं दूंगा मैं तलाक। क्यों नहीं समझता तू? नहीं दूंगा तलाक। क्यों नहीं समझता? तलाक नहीं दूंगा। क्यों नहीं समझता? दीवाना पागल अनजान, आशिक दुश्मन हासिद कमला, लख हजारी है पहचान। आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आप हार चुके हो। क्या करूं ठाकुर साहब, नया नया इश्क बहुत सवार हुआ उसके दिमाग। तो क्या एक मुरब्बे की ऑफर भी अच्छी नहीं लग रही? वैसे देखा जाए तो मोहब्बत के आगे तो ये सारी दुनिया भी बहुत कम है। क्या करूं, कभी कभी तो लगता है सादिक ठीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़कियां तो आती रहेंगी गवर्नर साहब, लेकिन पूरे एक मुरब्बे का ये मौका वो वापस नहीं आएगा पलट के। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, नवाब साहब से भी जिक्र ना करना। क्या इसके अलावा कोई और रास्ता है? तलाक तो वो कभी ना कभी दे ही देगा। कभी ना कभी? मेरा मतलब है तलाक दिए बगैर उसने कहां भागा? अब तक तो तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं गवर्नर साहब, और कभी ना कभी तक का वक्त मुझे यकीन है कि नवाब साहब कभी नहीं देंगे। सुबह तक का वक्त है आपके पास, समझा लें उसे अगर समझता है तो। पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब नवाब साहब को कोई चीज एक बार पसंद आ जाए तो वो चाहे कंवारी हो, तलाक याफ्ता हो या बेवा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहे पेपर, ये तो आप खुद भी अच्छी तरह जानते हैं कि अंगूठा कहां लगवाना होता है। जी। इस हवेली में ना हम लोग शिकारी नहीं है बल्कि शिकार हैं। भागने के बजाय एक जगह रुक जाओ ताकि शिकारी खुद तुम्हारा शिकार कर सके, समझी? सादिक साहब मान नहीं रहे, उसने आपकी दूसरी ऑफर भी ठुकरा दी। तो उसका अंगूठा काट के मेरे पास ले आना था ना, खाली हाथ क्यों है? ऊपर वाले से डर? ऊपर वाले से भी डरता हूँ और नवाब से भी डरता हूँ। ड्रोन, चखा इसे सजा का जायका।
नहीं लगा अभी तक। देखना बेला, अभी तक नहीं लगा। कहते हैं हुई सोच के परेशान बैठी। परवीन, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा ना नवाब साहब की मर्जी से होगा। मैं तो जी बस दुआ ही कर सकती हूँ, अल्लाह करे लग जाए गेट। ना तू भला ये दस, कुछ पता चला है कि आखिर हो क्या रहा है? नहीं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना बहुत तेजी से हो रहा है। हम सब लोगों को लाल सूट पहन के इस्तकबाल करना होगा। है वक्त इतने नेड़े आ गया, पता ही नहीं चला। दसो तू आ करना तू भी मेरे लिए कि मेरे बुआ क्या का गेट लग जाए। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, खुद ही लगवा लो गेट, अब तो यही ऑप्शन है। हाय हाय, की हो गया बेला, आखिरी टाइम पे मेरी दुश्मन ना बन। इसीलिए कह रही हूँ परवीन के इंतजार करो, और मेरी एक बात याद रखना, इस हवेली में ना हम लोग शिकारी नहीं है बल्कि शिकार है। भागने के बजाय एक जगह रुक जाओ, आंखें बंद करो ताकि शिकारी खुद तुम्हारा शिकार कर सके, समझी? तू आज फिर वाग पे गई थी? मैं चाह रही थी कि मुझे भी साथ ले जाया कर मेरी बहन, को टाइम ही पास हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगी। तेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है नवाब साहब। मेरा बेटा अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं समझ रहा, क्या कर। अच्छा तो सादिक साहब मान नहीं रहे? उसने आपकी दूसरी ऑफर भी ठुकरा दी। तो उसका अंगूठा काट के मेरे पास ले आना था ना, खाली हाथ क्यों है? नवाब साहब बस एक आखिरी मौका देते, आखिरी मौका। तुझे तो रात से मेरी अंधेरी कोठरी आवाज दे रही है गवर्नर। आखिरी मौका नवाब साहब, इतने मौके तो दे चुका हूँ, बस सिर्फ एक मौका और दे दे नवाब साहब। मैं तेरा बेटा क्या समझता, वो इनकार करेगा और नवाब का रास्ता रोक लेगा? उसके दिमाग पे इश्क का भूत सवार है, मैं मारता हूँ उसे, उसकी मिन्नत करता हूँ, मगर वो नहीं। इस किस्म के जिन उतारने के लिए एक पीर रखा हुआ हमने अपने पास, ड्रोन का एक तावीज उसके लिए बहुत होगा। नवाब साहब सिर्फ एक मौका। ठीक है गवर्नर, लेकिन अगर इस बार भी तू नाकाम हुआ तो अपनी टांगे काट के खुद हमारे पास ले आना। नवाब साहब तुझे पता है तू अब तक जिंदा क्यों है? आपकी मेहरबानी नवाब साहब। सिर्फ इसलिए कि हमारी लाल दुपट्टे वाली तेरे यहां है। जी जी नवाब साहब, हमने अपने लाल दुपट्टे वाले के इस्तकबाल की तैयारियां पूरी कर ली हैं। उसके कमरे का रंग सूखने से पहले पहले अगर तलाकनामा नहीं आया तो फिर कमरे में रंग तेरे और तेरे बेटे के खून से होगा। नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा। क्या कर रहे हैं अब? तेरे दिमाग से इश्क का जिन उतार रहा हूं। तू क्या चाहता है? क्या चाहता है कि हमारी लाशों को कुत्ते खाए? एक लड़की की खातिर हमारा घर बर्बाद कर रहे तू। ऊपर वाले से डर अब्बा, डर ऊपर वाले से। ऊपर वाले से भी डरता हूं और नवाब से भी डरता हूं। तूने अभी तक नवाब की सजा का जायका नहीं चखा। ड्रोन, चखा इसे सजा का जायका। अपनी औलाद को किसी गैर से पिटवा रहे हो अम्मा? तेरी पिटाई होगी तो तू ठीक होगा। जो मर्जी कर लो जो करना है। नहीं दूंगा मैं तलाक। तलाक तो तेरा बाप भी देगा। नहीं दूंगा मैं। तू कैसे नहीं देगा तलाक?
छोड़ो। अब्बा छोड़ो। बीबी जी ये लाल रंग के कपड़े हैं, मैं क्या करूं इनका? नवाब साहब का हुक्म है कि सारी बीबियों ने लाल रंग के कपड़े सिलवाने। बाहर दर्जन आई हुई है, आपका नाप लेने। ओ लाल रंग के जोड़े क्यों बन रहे हैं ये तो मुझे पता है ना, पर मेरा क्यों बन रहा है? इसका तो मुझे पता नहीं है, आप कहें तो दर्जन को बुला लूं अंदर। इसका मतलब है कि मैं नहीं जा रही। ओ किस किस का नाप ले आई है? बीबी सबका नाप ले लिया है, बस आप ही रह गई हैं। ओ बात कुछ समझ में नहीं आ रही मुझे, नवाब साहब की नवी शादी के लिए बन रहे हैं ना ये जोड़े? बीबी इसका तो नहीं पता, बस हमें तो ये हुक्म मिला है कि जोड़े बनेंगे सबके। ओ ये क्या नवा खेड खेड रहे हैं मेरे साथ, तलाक देने की बजाय नवा जोड़ा, फिर जा कौन रहा है? इसकी जिंदगी के लिए तो झूठ बोल रहा है नवाब साहब से। तो फिर एक ही रास्ता बाकी रह जाता है। तेरी सजा तो अब शुरू हुई है गवर्नर, अब तू जाके ये तलाक नामा अपने हाथ से रजिया को दे के आएगा। इस हवेली में सच वही होता है जो हो चुका होता है। इस बार गेट बेला के कमरे के बाहर लगा है और तलाक की ख्वाहिश तेरी पूरी हो जाए। बिकाऊ माल नहीं हूँ मैं, बता दे जाके अपने नवाब को, पर तलाक के झूठे कागजों को मैं बिल्कुल नहीं मानती। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मान जा बेटा, मान जा। तुझे इस तरह देखकर मुझे तकलीफ हो रही है बेटा। नहीं दूंगा। ठीठ की औलाद मान जा। मैं अभी नवाब साहब से झूठ बोल के आया हूं कि तू मान गई। नहीं दूंगा तला, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। देखिए गवर्नर साहब, अगर ये इसकी नहीं नवाब साहब तक पहुंची तो मुझे डर है कि नवाब साहब एक मुतलका से नहीं बल्कि बेवा से शादी करेंगे। नहीं 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 अठारनी साहब, नहीं, मेरा बेटा है, इसकी जिंदगी के लिए तो झूठ बोल के आया नवाब साहब से। तो फिर एक ही रास्ता बाकी रह जाता है। अब बताइए, जल्दी बताइए रास्ता। तो क्या मुझे छोटी सी नुक्कड़ भी मिली तो मैं वहां भी चला जाऊंगा, बता दीजिए। नहीं दूंगा। वो आपके हकीम साहब कहाँ हैं? वो कमिश्नर, वो तो कहीं गया हुआ। उनसे फौरी रब्ता करें, फौरन। अटारनी साहब, उसके पास बंदे को मनाने वाला खमीरा तो नहीं है ना? बंदे को मनाने वाला खमीरा नहीं है, लेकिन उसके पास कम अज कम बंदे को बेहोश करने का खमीरा तो होगा ना? तो फिर वक्त जाया मत कीजिए, जाइए उसे कहीं से भी ढूंढ के लाइए अभी। मैं जाइए। हाय हाय हाय, ओ ये गेट यहाँ पे कहाँ से आ गया? ये किसने कहा है तुझे यहाँ रखने के लिए? जी नवाब साहब का हुक्म है। नवाब साहब का हुक्म है? ओ बेला, ओ बेला बाहर आ फटाफट। ओ बेला क्या है? हाँ है, देखो जरा की होया पे। ये यहाँ किसने रखा है? ओ यही तो मैं हैरान हूँ कि ये गेट मेरे कमरे के आगे लगना चाहिए था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? या अल्लाह, ये नहीं परवीन, मुझे लगता है जरूर कोई ना गलतफहमी हुई होगी। मेरे दरवाजे के आगे कैसे लग सकता है ये किसने कहा है इनको? हाय फसा ही नहीं आ रहा। मैं जाके कुछ करती हूँ। इधर आ जरा मेरे साथ।
बेला के कमरे के बाहर गए। हाय बड़ी बेबी, हुन मैं की करा? एक तो तुझे हर वक्त अपनी पड़ी रहती है परवीन। ना तो होर किसकी पढ़नी है भला, मुझे खुद सोचें। हाय इस दफा तो मेरी वारी आनी सी, तो वारी कोई होर ले जावे, और वो भी बेला। नवाब साहब की इतनी लाडली, उसको तलाक। इतनी जल्दी है ना तुझे, तो एक काम कर, मुझसे ले ले एक मुरब्बा और भाग जा हवेली से इसी वक्त। ना दसो भला, ताकि नवाब साहब मुझे लब के दफनाने की बजाय सीधा ही छड़वा दें। तो फिर सबर कर परवीन, पिछली बार भी तो ऐसा हुआ था ना, तेरे दरवाजे पे गेट लगा था और तलाक वहीदा को हो गई थी। इस हवेली में सच वही होता है जो हो चुका होता है, और क्या होने वाला है इसके बारे में यकीन से कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसा भी हो सकता है कि इस बार गेट बेला के कमरे के बाहर लगा है और तलाक की ख्वाहिश तेरी पूरी हो जाए। नवाब साहब मुबारक हो, तलाक हो गई। क्या? जी सर, ये देखिए। ये काम जो तूने किया है ना अटारनी, ये तारीख के वर्कों पे सोने के पानी से लिखवाऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी सर्विस मेरा फर्ज है। बेटा जिंदा है तेरा गवर्नर? जी नवाब साहब, बस सांस ले रहा। तलाक के इस पुर मुसरत मौके पे तुझे क्या दिया जाए? नवाब साहब अपने कदमों में जगह दे दे। कदमों में जगह देने के लिए तो मुझे कब्र में उतरना पड़ेगा, फिर तुझे मेरे पैरों की तरफ जगह मिल जाएगी। तबा तबा नवाब साहब, मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था। मेरा मतलब तो ये था कि अपनी खिदमत का मौका देते रहा कीजिए। तेरी सजा तो अब शुरू हुई है गवर्नर, अब तू जाके ये तलाक नामा अपने हाथ से रजिया को दे के आएगा। लेकिन नवाब साहब, रजिया तो मुझसे नफरत करती। हम यही चाहते हैं कि वो हमसे नहीं तुझसे नफरत करे। तू नए कागजात तैयार करवा। बहुत बेहतर सर, लेकिन मेरा मशवरा है कि कुछ दिन रुक जाएं तो बेहतर है। क्यों रुक जाएं? सर बात यह है कि जिन हालात में ये तलाक हुई है उसकी वजह से हमारी वाली पार्टी जहनी तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अगर आपने उन्हें वक्त ना दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी खुशियां फीकी पड़ जाएं। और सर फिर वो इद्दत वाला मसला भी है। तेरी बात में वजन तो है, लेकिन हम सब्र कैसे करें? नवाब साहब, नवाब साहब कहाँ हैं? नवाब साहब किधर हैं? नवाब साहब को ढूंढ रही हो? वो तो चले गए सुबह सुबह डेरे पे। शिट! परवीन, मेरी गुड़िया मुझसे रूठ गई है, तुम्हारे पास तो नहीं आई वो? नहीं, इस बार गेट बेला के कमरे के बाहर लगा है और तलाक की ख्वाहिश तेरी पूरी हो जाए। हाँ रसकाना, तेरी गुड्डी ना मेरे कमरे में ही आई है। मैं तुझे ना एक शर्त पे दूंगी वो गुड्डी, तुझे ना मेरे लिए एक दुआ करनी होगी। तू दुआ कर अल्लाह ताला तीनों को जल्दी से तलाक हो जाए। अल्लाह ताला परवीन को तलाक दे दे, अल्लाह ताला परवीन को तलाक दे दे। किन्नी चंगी कुड़ी, झूठ है ये। रिश्ते नाते ना कागजों पे बनते हैं ना कागजों पे टूटते हैं। मेरा और सादिक का रिश्ता ऊपर वाले ने जोड़ा है और वही उसे तोड़ सकता है मेरी मौत से। अब सादिक से तेरा ताल्लुक खत्म हो गया, तलाक के पक्के कागज है मेरे पास।
क्यों किया आपने चचा ऐसे? इसलिए क्योंकि मैं यतीम हूँ, यसीर हूँ, आगे पीछे कोई भी नहीं है मेरा। बिकाऊ माल समझ के खेलने लग गए आप। बिकाऊ माल नहीं हूँ मैं, बता दे जाके अपने नवाब को। पर तलाक इन झूठे कागजों को मैं बिल्कुल नहीं मानती। मेरा सादिक मर सकता है लेकिन मेरे साथ ये नहीं कर सकता वो। न तू सादिक को जानती है न सादिक तुझे जानता है, बस क्यों अपनी जिंदगी खराब करने लगी? बेफिक्र हो जाए चचा, आपने दुश्मन का इंतकाम देखा है लेकिन मोहब्बत का नहीं। मेरा और सादिक का बदला आपसे और उस नवाब से हमारी मोहब्बत लेगी। रसिया, नवाब साहब तुझसे मोहब्बत करते हैं, सादिक के पास क्या है, वो क्या देगा तुझे? सादिक के पास मोहब्बत है मेरी, और आपका नवाब भूखा है वो औरत का, सारी दुनिया जानती है ये। तू इतनी अमीर हो जाएगी कि तेरी सात पुश्तों ने सोचा भी नहीं होगा। ऐश करेगी तू, ऐश, रानी बनकर पूरी रियासत पे राज करेगी। मैं दिल की इतनी अमीर हूँ कि नवाब की पूरी जायदाद भी मिलकर मुकाबला नहीं कर सकती, और आप यहाँ खड़े होकर मेरी कीमत मत लगाएं वरना। बस शादी की तैयारी कर। मुझसे मेरी रजिया की बात कर, अब मुझसे सब्र नहीं होता। मेरा सादिक मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। मुझे तो बस एक दीदार चाहिए, महबूब का दीदार। इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं। ये जो मोहब्बत प्यार वाला जिन है ना, इसे उसके अंदर से निकाल के बाहर फेंक दे। तुम भी नवाब साहब की खरीदी हुई? हाँ खरीदी हुई, पर अब मैं उन्हें बेचूंगी। अगर मैं और तुम दोनों मिलके नवाब साहब को जहर दें